जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का जो एग्जाम है आप लोगों का 20 नंबर होने वाला था, 20 नवंबर को होने वाला था। एडमिट कार्ड का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे लेकिन अभी तक वेबसाइट पर कोई हलचल नहीं हो रही है एडमिट कार्ड को लेकर। लेकिन एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए, बीएसएफ की साइट पर आप लोगों को जब आप फॉर्म पे जाते हैं, जब आप अपनी प्रोफाइल में जाते हैं तो वहां पर आपको बताया जा रहा है कि मिसिंग डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की थी, काफी बच्चों ने बताया था कि सर प्रोविजनल तरीके से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये बीएसएफ ने अभी तक नहीं बताया है। तो एक नया लिंक आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों की प्रोफाइल में एक्टिवेट हुआ है, चाहे आपने हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का फॉर्म लगाया हो या फिर आपने रेडियो ऑपरेटर का लगाया हो। एक बार आपको अपनी ऑफिशियल जो प्रोफाइल है वो आपको ओपन करनी है, उसके बाद में उसके अंदर जाना है। मिसिंग डॉक्यूमेंट, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं किया था, सिग्नेचर की जगह मार्कशीट अपलोड कर दी, मार्कशीट की जगह फोटो अपलोड कर दी, ऐसी कुछ गलतियां बच्चों ने की थी। और उन गलतियों को सुधारने के लिए बीएसएफ ने मिसिंग डॉक्यूमेंट और प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए कहा। यह मैसेज सभी बच्चों के पास में आया, जिनका फॉर्म सही है उनके पास में भी आया है। तो आपको एक बार फॉर्म को देखना है, सही तरीके से अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे रिक्रूटमेंट की हम ऑफिशियली साइड पे हैं। और आपको क्या करना है, आपको बच्चों यहां कैंडिडेट जो कॉर्नर आपको मिलेगा माय प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। वहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आपको डालने हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह वो आपको डालने हैं। प्रोफाइल में लॉगिन करना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है और वहां पर देखना है कि आपका अभी प्रोविजनल तरीके से किसी मिसिंग डॉक्यूमेंट को लेकर कोई नोटिफिकेशन आया हुआ या नहीं आया हुआ। देखो भाई, आज है वो 14 तारीख हो चुकी है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक का एग्जाम 20 नवंबर को होने वाला था, अभी तक एडमिट कार्ड आप लोगों के लिए नहीं आए। तो अगर एडमिट कार्ड आएंगे बच्चों तो आज या कल तक आ जाएंगे, बाकी आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है अगर दो दिन में एडमिट कार्ड भाई नहीं आते तो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की एक अच्छी गाइड यहां पर मार्केट में आ चुकी है। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई बुक बताइएगा जिसे हम घर बैठे प्रैक्टिस कर सके, तो ये दो बुक है जिसमें संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है। साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 9 सोलो पेपर आप लोगों को मिलने वाले। दोनों ही बुकों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों, ये जो नोटिस आप लोगों को देखने को मिला है ये किन किन बच्चों के लिए, ये किन किन बच्चों के लिए है। यहां पर आप डाल अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह वो डाल सकते हैं, अपनी प्रोफाइल वगैरह वो बना सकते हैं आप। उसके अलावा कैंडिडेट इंस्ट्रक्टर है, यहां पर आपके जितने भी जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो सारे इंस्ट्रक्शन पहले ही आप लोगों को दे दिए जाते हैं कि साइज इतनी होनी चाहिए, फोटो की सिग्नेचर के लिए इतने केबी का होना चाहिए, ये सारी चीजें पहले ही आप लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दे दी जाती है। देखो अभी क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे एडमिट कार्ड का, लेकिन उनके पास में काफी बच्चों के पास में मैसेज वगैरह भी आया था इंस्ट्रक्शन का मैसेज, और उसमें मिसिंग डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट, और गलती की वजह से कुछ बच्चों की गलती हो गई थी वो भी अब चेंजेज कर सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों के फॉर्म बिल्कुल सही है उनके पास में भी ये मैसेज है। तो एक बार आपको क्या करना है, बीएसएफ रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाना है, आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है और देखो आप अपने अप्लाई हियर या आप जो नए फॉर्म है वो यहां से अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन करना है आपको, अपनी प्रोफाइल को देखना है उसके अंदर जाके कि हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर में आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है या नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो आप वहां जाके आप सही कर सकते हैं। और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए भी ये लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो ये लिंक एक या दो दिन तक चलेगा, बाकी बाद में बंद हो जाएगा। उसके बाद में स्क्रूटनी के लिए आप लोगों का फॉर्म, अगर आपके रियल में दिक्कत आपने सही नहीं किया है तो आपका फॉर्म भाई रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए एक बार प्रोफाइल को ओपन करना है, देखना है, कुछ भी गलती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बीएसएफ हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक से जुड़ा कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।